हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीलांस वीजा से रिलेटेड। एक नया अपडेट आया है यूएई के अंदर जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। तो जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अभी भी बहुत लोग जो लोग यूएई में काम करना चाहते हैं वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको वहां आने के बाद वर्क वीज़ा कंपनी देगी या नहीं देगी, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो इसी में हेल्पफुल रहती है फ्रीलांस वीज़ा, जिसको हम आज़ाद वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग फ्रीलांस वीज़ा लेकर आते हैं और यूएई में काम करते हैं, लेकिन अभी जो अपडेट हुआ है उस हिसाब से एक फ्रीलांस वर्क परमिट वीज़ा निकलने वाला है जो कि इस साल के एंड तक निकल आएगा। और ये नया लॉन्च हुआ है फ्रीलांस वर्क परमिट, जो कि सारे स्किल लेवल्स के लिए होगा। अभी तक फ्रीलांस वीज़ा जो है वो बहुत लिमिटेड था, यानी कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो है हर स्किल्स वालों के लिए ये फ्रीलांस वर्क परमिट जो है वो मिल जाएगा बहुत इजीली। सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे लोगों के लिए, कोई भी स्किल हो आपका, सब लोगों के लिए ये मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप मतलब किसी कंपनी आपको जैसे 2 साल के लिए रखती है, 3 साल के लिए रखती है, तो ऐसा नहीं है। जब आप कंपनी को छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। इस चीज़ से उभरने के लिए, यानी कि इस चीज़ का समाधान करने के लिए ही ऐसा किया गया है कि आप आराम से इस वीज़ा के अंदर आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको जॉब पसंद नहीं आती है तो जॉब आप छोड़ सकते हैं और जॉब चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये दिया गया है कि आप अगर यूएई से बाहर भी हैं तो भी आप यूएई का काम, जिसको रिमोट वर्क बोलते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम आप बोल सकते हैं या वर्क फ्रॉम योर ओन कंट्री बोल सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए आप चाह रहे हैं कि आप अपने होम कंट्री गए हैं, वहाँ से आप यहाँ का काम करें। अगर आपका काम आपको परमिट करता है तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा। 2 तरह के काम इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो 2 तरह के काम भी इसमें कर सकते हैं। एक मेन काम होगा और एक जो काम होगा वो पार्ट टाइम जॉब होगी आपकी, तो वो भी इसमें परमिट होगी। ठीक है, फीस वगैरह अभी तक नहीं अपडेट हुआ है, कितनी फीस होगी या कितना खर्चा होगा, इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो ये जो अपडेट आया, यानी कि इस साल के एंड तक बहुत लोग इस वीज़ा का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये वाला वीज़ा लेके यूएई आ सकते हैं और आप अपने हिसाब से जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। लेबर मार्केट कंडीशन को अच्छा करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।